नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका आर्यजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल एक वीडियो आया था चंद्रकांत दादा पाटिल का, उन्होंने कहा था कि एक ब्रिज कोर्स होने वाला है और उसके बाद एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर महीने में। तो उसके बारे में ही मैंने कल एक लाइव किया था, तो आज उसके बारे में एक सर्कुलर आया है MSBT का, उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ आपको IHP के कुछ वीडियोज चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप उसका एडवांटेज ले सकते हो अगर आपका IHP बैक है तो। आज 24 अगस्त को एक MSBT का सर्कुलर है और उसमें दिया है कि रेमेडियल कोचिंग बाबत, मतलब क्या कि जो बच्चों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट बैकलॉग है उनके लिए कॉलेज लेवल पे एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट बैक है, और फिर उनको रेमेडियल कोचिंग देनी चाहिए जो रेगुलर आपके क्लासेस है उसके बावजूद एक दो घंटा ज़्यादा या संडे को लेके आप उनको रेमेडियल कोचिंग दीजिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके साथ ही अगर कोई चैप्टर है उसका लेवल हार्ड है तो उसको भी आप कंसिडर करिए, एक कोई अच्छा टीचर वहाँ पे अपॉइंट करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको वो करना है। जैसे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ड्राइंग का नॉलेज नहीं रहता है, तो उनको ड्राइंग का ब्रिज कोर्स, मैथ का ब्रिज कोर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ब्रिज कोर्स के लिए उन्होंने बोला है। फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में फेल है उनके लिए ये रेमेडियल कोचिंग होगी, और सितंबर 2022 में आपके लिए एक एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए उसके लेवल पे आपको क्या करना है, कॉलेज में एक एग्ज़ाम होगी, जैसी फाइनल एग्ज़ाम होती है ना आपकी वैसी एक फाइनल एग्ज़ाम देना है, और बाद में फिर MSBT का आपको एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये टोटल ऐसा ये टोटल वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।